इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये जानने से पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी इतनी वैल्यूएबल क्यों है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। 1831 में माइकल फैराडे ने फर्स्ट इलेक्ट्रिक डायनेमो बनाया था, मींस वो डिवाइस जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती थी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती थी। उसके बाद 1878 में उस इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट एप्लीकेशन यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन हुआ, और तब से लेके 1905 तक इलेक्ट्रिसिटी के कई सारे एप्लीकेशन सामने आए। 1905 में इंडिया के अंदर, अब बात हो रही है इंडिया की, इंडिया के अंदर फर्स्ट स्ट्रीट बल्ब लगाया गया बैंगलोर के अंदर, और उसके बाद 1925 में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई। आपने सही सुना, इलेक्ट्रिक ट्रेन। आजकल इंडिया में इलेक्ट्रिक कार भी आ जाती है तो हमें ये लगता है कि ये कितना बड़ा इन्वेंशन है, लेकिन 1925 में ही इलेक्ट्रिक ट्रेन चला दी गई थी, और उसके बाद से आज तक बहुत सारे अलग अलग इन्वेंशंस हुए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की ही एप्लीकेशन है, जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकते। आज की दुनिया में हम इलेक्ट्रिसिटी से पूरी तरह से सराउंडेड हैं। आज की दुनिया और आने वाली दुनिया को बिना इलेक्ट्रिसिटी के एज्यूम करना भी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के उसकी उसको इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। आपने ये समझा कि इलेक्ट्रिसिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है, अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी, ये एक एनर्जी है ड्यू टू विच चार्जेस फ्लोज, चार्जेस फ्लो होते हैं सर्किट के अंदर। अब ये चार्ज क्या है, सर्किट क्या है, अभी हम समझेंगे। एंड गिव्स पावर टू इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स को पावर देती है, ये फैन है, ये लाइट है, इनको पावर देती है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है चार्ज, कि चार्ज एक्चुअली क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। चार्ज को समझने के लिए एक गेम खेलते हैं, जो गेम आपने बचपन से खेला होगा। वो गेम क्या था, एक स्केल आप लेते थे और एक स्केल से हेयर्स को रब करते थे, रब करने के बाद उस स्केल को पेपर्स के पास लेके जाते थे, तो वो पेपर्स जो है वो अट्रैक्ट करते थे। तो आज भी हमारे पास कुछ पेपर्स के पीसेस हैं, और स्केल तो नहीं है लेकिन मार्कर है, और कोशिश करते हैं हम इस मार्कर को हेयर से रब करने के बाद इन पेपर्स को अट्रैक्ट करने की, इन पेपर्स को इस मार्कर से चिपकाने की। तो ये तो मैं वापस से कोशिश करता हूँ। कुछ हेयर्स इससे अट्रैक्ट हो गए, लेकिन ज़्यादा हेयर्स नहीं अट्रैक्ट हुए क्योंकि मेरे बालों में, मेरे हेयर्स में थोड़ा सा ऑयल है। इन बातों को आप समझते जाना। अब ये ऑयल है, ऑयल का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे अभी। तो देखिए आप कि चार्ज क्या है बेसिकली। तो जब मैंने अपने हेयर से इस मार्कर को रब किया, तो मार्कर जब रब हुए तो उसकी वजह से कुछ हुआ इसमें। वो हुआ क्या कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मार्कर, तो कोई भी चीज़ जो बनी होती है वो चीज़ एटम से बनी होती है, ठीक है। तो इस मार्कर के अंदर एटम होंगे, क्या आप बता सकते हैं कि एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो होते हैं, न्यूट्रॉन को मैं एन से लिख देता हूँ, प्रोटॉन को पी से लिख देता हूँ, ये होते हैं सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है, वो कौन सी एनर्जी होती है? दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए, जब मैंने इसको रब करना शुरू किया तो इसके मार्कर और हेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होना शुरू हो गया, फ्रिक्शन पैदा हो गया, और फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होनी शुरू हो गई, और जब हीट मिलनी शुरू हो गई तो ये जो इलेक्ट्रॉन था, मतलब कि जब आपने इस मार्कर को थर्मल एनर्जी देना शुरू कर दिया, किसी चीज़ को जब आप हीट देते हैं तो उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी देना, थर्मल मीन्स हीट होता है। तो जब आपने इसको हीट दी तो उसके वजह से इस
इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब मास तो बढ़ नहीं सकता, क्या बढ़ेगी? वेलोसिटी बढ़ेगी। सोचो एक इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है एटम के चारों तरफ, उसकी क्या बढ़ गई? वेलोसिटी बढ़ गई। अब अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, ये बिल्कुल वैसा ही है कि फॉर एग्जांपल एक चौराहे, एक क्रॉसिंग के चारों तरफ आप स्कूटी लेके चक्कर लगावे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और आप कुछ ऐसे चक्कर लगाते जा रहे हैं, ये है वो क्रॉसिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या आप इसी चक्कर, इसी सर्कल में आप चक्कर लगा पाएंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा के 40 कर देते हैं तो आप इस वाले सर्कल में चक्कर नहीं लगा सकते, आप कहाँ निकल जाएंगे? बाहर की तरफ चले जाएंगे। फिर वैसे ही जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है वेलोसिटी बढ़ना, तो जब इसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के बाहर आ जाता है। अभी है ये मार्कर के अंदर ही, ये इलेक्ट्रॉन इस मार्कर के अंदर ही है, बस एटम को छोड़ दिया है इसने, ठीक है। अब क्या होता है, आपने इसको और एनर्जी दे दी, और एनर्जी दे दी तो ये इलेक्ट्रॉन इसको भी छोड़ के कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा रहता है बालाजीपुरम में, कहां रहता है? बालाजीपुरम में। अब वो वहां पे जहां रहता है वहां रेंट देता है फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए, मजदूरी करता है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, 1000 रुपए का रेंट देता है और वो वहां रहता है। मान लीजिए उसकी लॉटरी लग जाती है, उसके पास पैसा आ जाता है, बहुत सारा पैसा आ जाएगा। अब उसके पास जो पैसा आ गया है, इसका मतलब वो इस लायक हो गया है कि वो किसी अच्छी जगह जाके रह सके। तो क्या वो आप बालाजीपुरम में रुकेगा? वो बालाजीपुरम में नहीं रुकेगा, वो छोड़ के आनंदवन में आ जाएगा। समझ में एक चीज कि जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को की लॉटरी लग गई, लॉटरी कैसे लगी? इसको एनर्जी मिल गई, इसने एटम छोड़ दिया, और एनर्जी मिली, और ज्यादा पैसा आ गया, इसने ये मार्कर भी छोड़ दिया। क्या समझ में आ गई बात? तो पहले क्या क्लियर हो गई ये चीज कि एनर्जी के मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन ने मार्कर को छोड़ दिया। तो पहले जहां ये मार्कर, इस मार्कर में जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस थे, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, मतलब नेगेटिव चार्जेस थे, इसका मतलब ये मार्कर क्या था? न्यूट्रल था। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के भाग चुका है, मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस अब क्या हो गए इसमें? ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो नेगेटिव चार्जेस कम हो गए, पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए। तो क्या अब ये जो बॉडी है, ये जो मार्कर है, क्या अब ये न्यूट्रल है? है क्या ये न्यूट्रल? नहीं, ये अब न्यूट्रल नहीं है, इसके पास कुछ चार्ज आ गया है। वो चार्ज कौन सा आ गया है? जो चार्ज इसके पास ज्यादा है, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। क्या आपको समझ में आ गई बात? अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला है वो कहीं तो गया होगा। अरे भाई वही गया होगा जिससे आप इस मार्कर को घिस रहे थे, तड़ 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 तड़। तो ये मार्कर जो है, ये इलेक्ट्रॉन कहां गया? उस उन हेयर्स में चला गया, बालों में चला गया। तो बाल भी पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, पहले वो भी न्यूट्रल थे, नेगेटिव इजिकल टू पॉजिटिव। लेकिन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया किससे? पॉजिटिव चार्ज से। इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव बोल देते, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो हेयर्स के पास कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। क्या आपको समझ में आ गई बात? तो एक चीज जो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि जिस भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां हमेशा क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और जिस भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है वहां नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए उस बॉडी के पास क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो हम चार्ज की डेफिनेशन लिखते हैं। चार्ज क्या है? देखिए,
चार्ज को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, कोई भी बॉडी न्यूट्रल कब थी? जब उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल थे। लेकिन कोई भी बॉडी, उसके पास चार्ज कब आया? जब उस बॉडी के पास नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस दोनों इक्वल नहीं है। समझ में आ गई बात? तभी तो चार्ज आया किसी बॉडी के पास। क्या क्लियर हो गया? तो चार्ज मैं लिख देता हूं, व्हेन अ बॉडी हैव अनइक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, इट विल सेड, इट विल बी नोन एज चार्ज्ड बॉडी। चार्ज्ड बॉडी। नेक्स्ट है यूनिट चार्ज। ये तो बात हो गई चार्ज्ड बॉडी की, कि एक बॉडी के पास चार्ज आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं यूनिट चार्ज की। यूनिट का मतलब है वन। किसी भी चीज में आप यूनिट की बात करते हैं तो इसका मतलब है आप बात कर रहे हैं एक की, ठीक है। तो एक बॉडी के अंदर तो बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है, बहुत सारे एटम होंगे, उनके पास चार्ज आ गया तो हम कहेंगे चार्ज बॉडी। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं यूनिट चार्ज की तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं एक सिंगल एटम की। क्या क्लियर होगी बात? यहां बॉडी के अंदर बहुत सारे एटम है लेकिन यूनिट चार्ज का मतलब है कि उस बॉडी में सिर्फ एक एटम है, ठीक है। और एक एटम में जो चार्ज आ जाता है उसको हम बोलते हैं यूनिट चार्ज, ठीक है। तो हम लिख देते हैं अनइक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम इज नोन एज यूनिट चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो यूनिट चार्ज हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी। हां, एक चीज यहां पे एक चीज लिख लेते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख देंगे, लीव्स अ बॉडी, एक बॉडी को छोड़ देता है इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास बॉडी के ऊपर कैसे चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। बॉडी विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्ड अ बॉडी, किसी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो उस बॉडी के पास कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। बॉडी विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्ज समझ में आ गया, कौन कौन से चार्ज होते हैं वो समझ में आ गया, वो दो चार्ज क्रिएट कैसे होते हैं वो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज बिहेवियर ऑफ चार्ज। बिहेवियर का मतलब है ये चार्ज आपस में व्यवहार कैसा करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज बिहेवियर ऑफ चार्जेस। तो देखिए, सबसे पहले हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को पास लेके आते हैं, पास में लेके आते हैं। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब दोनों अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो मतलब कि इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, अनलाइक चार्जेस। अनलाइक का मतलब होता है कि एक जैसे नहीं है, ठीक है, अनलाइक चार्जेस हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया कि इसके पास मान लो 5 प्रोटॉन हैं अंदर और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसके पास 5 प्रोटॉन हैं अंदर और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। याद रखना कि कोई भी बॉडी हमेशा न्यूट्रल रहना चाहती है, कोई नहीं चाहती कि उसके पास चार्ज रहे, हमेशा क्या रहना चाहती है, न्यूट्रल। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप पूरे दिन काम करते हैं तो काम तो नहीं करते रह सकते, आप क्या चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। हर बॉडी क्या चाहती है, रेस्ट करना चाहती है। तो हर बॉडी न्यूट्रल रहना चाहती है।
तो अगर इस बॉडी को न्यूट्रल रहना है, इस बॉडी को अगर बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, तो इसका मतलब है इसको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये हवा में बाहर नहीं निकाल सकती। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा कोई एटम ऐसा पास में आएगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हो, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगी। तो यहां कंडीशन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो हमेशा अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो अपनी जरूरतें पूरा करना चाहते हैं। तो अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्जेस एक जैसे हैं, और एक जैसे चार्जेस हैं तो हम इनको बोलते हैं क्या, लाइक चार्जेस। ठीक है, और दूसरा ऐसे ही हम एक नेगेटिव और दूसरे नेगेटिव चार्ज को ले आए, तो ये भी एक जैसे हैं, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, लाइक चार्जेस। अब लाइक चार्जेस हैं, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास अंदर एग्जाम्पल ले रहा हूं 5 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर। ठीक है, सिमिलरली इसके पास भी 5 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर। अब कंडीशन क्या है कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जरूरत तो दोनों में से किसी को नहीं है इलेक्ट्रॉन की, दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते। किसको दे सकते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को पट भाग जाए यहां से, मुझे तभी जरूरत नहीं है, मुझे उसकी जरूरत है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए हो। तो हमेशा लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक चार्जेस में हमेशा क्या होती है, दोस्ती, और लाइक चार्जेस में हमेशा क्या होती है, दुश्मनी। ये एक दूसरे का दुश्मन होते हैं और ये दोस्त होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊं, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक एक्टिविटी है, सोचना उसके बारे में आज बैठ के, कि हमने इस मार्कर को रब किया था। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, ये मार्कर है प्लास्टिक का। ठीक है, अगर इसकी बजाय मैं कोई स्टील का स्केल ले लेता, आप घर पे लेके देख लेना, स्टील का स्केल ले लेता और उसको रब करता, तो स्टील के स्केल पे क्या चार्ज आ सकता था, क्या स्टील के स्केल को रब करने के बाद पेपर्स पे के पास लेके जाएंगे तो क्या पेपर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, हाँ या ना, और अगर नहीं तो क्यों ऐसा हुआ, तो जरा सोचना है इसके बारे में। ठीक है, ये एक्टिविटी है आपके लिए, और अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता तो कल 6 बजे तक मैं आंसर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे क्यूरियस हैं वो प्लीज देखना, और आंसर आपको वैसे मैं दे दूंगा, लेकिन आपको पहले सोचना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। यहां मैं दो ही मटेरियल आपको पढ़ाऊंगा, फर्स्ट हो गया क्या कंडक्टर, और दूसरा हो गया क्या इंसुलेटर। अरे भाई जरा बताना कि कंडक्टर क्या होते हैं, जरा सोचो कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स विच फ्लोज विच अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, यही ना, यही डेफिनेशन है आपके दिमाग में, कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स विच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये डेफिनेशन सही है, गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है, समझ रहे हो। आप कह रहे हो कि कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास हो जाती है। क्वेश्चन है कैसे, कैसे पास हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी उनमें से। देखिए कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, लेकिन कैसे, क्योंकि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं।
अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, और एटम में फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लेता हूँ, ये एटम का न्यूक्लियस है, तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर, ये बाहर कैसे टिके हुए हैं, मतलब कि कोई चीज से तो बांधा हुआ नहीं है, ये टिके हुए कैसे हैं कि ये जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इस न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब आगे बात करूं इस वाले इलेक्ट्रॉन की, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में इस इन दोनों के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और इस न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया। तो जब ऐसे ही डिस्टेंस बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं और ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं ऑर्बिट में, तो होता यह है कि वो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंसी को छोड़ के फ्री हो जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो अपनी, और इसमें डिटेल काफी ज्यादा है, मैंने एक आपको मोटे मोटे तौर पर अंदाजा दे दिया है कि वो इलेक्ट्रॉन जो अपनी वैलेंसी को छोड़ के फ्री हो जाते हैं, अभी है एटम बॉडी के अंदर ही, कोई कंडक्टर अगर है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, स्टील तो खैर अलॉय हो गया, तो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो सिल्वर है, तो इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर ही है इलेक्ट्रॉन, लेकिन एटम को छोड़ दिया है उसने, अपनी वैलेंसी से बाहर आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाते हैं, क्या समझ में आ गई बात। तो कंडक्टर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, मैंने इंसुलेटर भी मिटा दिया, तो चलिए कंडक्टर लिख लेते हैं हम फटाफट फटाफट फटाफट। दोज मटेरियल्स विच अलाउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इंसुलेटर अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होना, क्योंकि उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, दे फुल स्टॉप के बाद, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, उनके पास क्या नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उनके पास। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं जूम पे, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन दो चीजें हैं वापस से पढ़ाने की। एक तो जूम पे उस दिन नेटवर्क में बहुत इश्यू आ गया था, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था, इसलिए क्लियर नहीं हो पा रही थी चीज़ें, और दूसरा ये कि बच्चे उसमें ज़्यादा नहीं थे, इसलिए मैं वापस से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आप इसको नोट ज़रूर कर लेंगे अपनी क्लासवर्क नोटबुक में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी ये है मेरे लेफ्ट हैंड में, और एक बॉडी है मेरे पास राइट हैंड में, ठीक है। राइट हैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के लेफ्ट हैंड पे गया, तो राइट हैंड वाले के पास अब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए, तो इसके पास कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जहां गया है वहां कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। चलिए तो इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और निकल के गया यहां से यहां, तो इसके पास और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और चला गया, ठीक है, तो इसके पास और ज्यादा
पॉजिटिव चार्ज, इसके पास और ज्यादा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसकी वजह से दोनों बॉडीज पे जो चार्ज की क्वांटिटी है, चार्ज की जो मात्रा है वो बढ़ रही है। उस चार्ज की मात्रा को ही हम बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इट इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। अब ये जो क्वांटिटी होती है चार्ज की एक बॉडी पे, वो क्वांटिटी हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती। ध्यान से सुनना, वो हमेशा जो चार्ज की क्वांटिटी होती है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती। अब ये डिस्क्रीट क्या है और कंटिन्यूअस क्या है? डिस्क्रीट का मतलब क्या है, देखिए, डिस्क्रीट का मतलब वो वैल्यूज जिनमें फ्रैक्शन नहीं होते, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, और कंटिन्यूअस का मतलब है 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, मतलब ये वैल्यू क्या है, कंटिन्यूअस है, और ये वैल्यू क्या है, डिस्क्रीट है, जिसमें फ्रैक्शन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जब जंप करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, दो ट्रांसफर होंगे, तीन ट्रांसफर होंगे, ऐसा थोड़ा ना हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, डेढ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूट नहीं सकता। हालांकि हमने अभी कुछ क्वांटिटीज पढ़ ली है ऐसी, लेकिन उसकी बात अभी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो सोचा नहीं गया है उस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लास में जब अटेंडेंस होती है, तो या तो क्लास में जब भी बच्चे आते हैं, अटेंडेंस बच्चे होते हैं, तो या तो वो 20 बच्चे होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, या 32 होंगे, 33 होंगे, 35 होंगे, 38 होंगे, ऐसे बच्चे होंगे। कभी सुना है कि 22.5 बच्चे आए हैं क्लास में, 24.5 बच्चे आए हैं क्लास में? ऐसा नहीं होता। तो हमेशा जो है ये डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में ही ट्रांसफर होते हैं। तो इट इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी एंड इट विल ऑलवेज बी इन डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट के बारे में ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है कि एक बॉडी के पास चार्ज आया है, तो वो चार्ज कितना आया है, हमने उसको लिख लिया क्या, क्यू चार्ज आया है किसी बॉडी के पास। तो वो जो क्यू चार्ज आया है किसी बॉडी के पास, वो चार्ज कितना होगा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी में ट्रांसफर हुए हैं या उस बॉडी से ट्रांसफर हुए हैं। समझ रहे हो बात, कि एक बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस बॉडी से या तो ट्रांसफर हुए हैं या इस बॉडी पर ट्रांसफर हुए हैं, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो n हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या हो गया, वो हो गया e, ठीक है, और इसको लिख दिया प्लस माइनस, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस, नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस। क्या क्लियर हो गई बात, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसका हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, तो Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन ए बॉडी, सेकेंड N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज इक्वल टू चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन हमेशा उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹, और चार्ज की यूनिट होती है सी कूलम, ठीक है। यहां लिख देता हूं यूनिट ऑफ चार्ज की, चार्ज की यूनिट क्या होती है, मुझे पहले लिख देना चाहिए था, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। मैंने स्पेलिंग शायद गलत लिख दी, COULOMB, कूलम, यह है चार्ज की यूनिट जो कैपिटल सी से डिनोट की जाती है। कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज पे बहुत काम किया था, चार्ज को, ठीक है, क्या समझ में आ गई बात। तो ये हो गए चार्ज की यूनिट। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट, क्वेश्चन लिखिए और आप भी साथ साथ सॉल्व कीजिए। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन क्रिएटिंग Q
क्रिएटिंग 4 कूलम चार्ज, चार्ज कूलम आपको चार्ज क्रिएट करना है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर होंगे। सॉल्यूशन फटाफट देखिए, देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा। आपने क्या रखा कि आपको Q मतलब चार्ज कितना चाहिए, 4 कूलम चाहिए, और गिवन क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। आपको N कैलकुलेट करना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, तो फॉर्मूला हम लगा देते हैं क्यू इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। तो क्यू हो गया 4, एन आपको कैलकुलेट करना है, ई हो गया 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1.6 को नीचे ले आइए, 1.6 × 10⁻¹⁹, ये वैल्यू हो गई एन की। कैलकुलेट करते हैं इसको, 1.6 से 4 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.5 × और ये 10⁻¹⁹ को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻¹⁹ और इज इक्वल टू एन। तो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तब जाके 4 कूलम का चार्ज आएगा किसी बॉडी के पास। आप एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर आप भेजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो मैंने करवा ही दिया, ठीक है। तो 8.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम ए बॉडी, एक बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए। फाइंड चार्ज बॉडी में, चार्ज कितना आ गया। ऑल्सो शो इट्स साइन, साइन भी बताएंगे आपके, साइन क्या आएगा उसके पास, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड टू क्रिएट 2 मिली कूलम चार्ज। ये स्मॉल एम से जो लिखा जाता है उसको लिखते हैं हम मिली कूलम, और मिली का मतलब पता है आपको क्या होता है, याद है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर। तो एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, एक मीटर में होते हैं 100 मिलीमीटर। तो एक मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1000 मीटर। तो ये हो गया आपका 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1000 मीटर। तो 1 mm इज इक्वल टू 1 मीटर अपॉन 1000, ठीक है। और 1000 को अगर मैं ऐसे लिखूं, 10³ लिख सकता हूं मैं, 10 का क्यूब ही होता है 1000, और ऊपर ले गया तो 10⁻³ मीटर, 1 mm इज इक्वल टू, ठीक है। तो 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम। तो कैलकुलेशन हमेशा आपको स्टैंडर्ड वैल्यू में करनी है, हमेशा आप चाहे फिजिक्स में कोई भी कैलकुलेशन करोगे स्टैंडर्ड में ही करोगे। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 2 मिली कूलम चार्ज जब आपने क्रिएट किया है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे सेंड करेंगे।